नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 4:15 तक रहेगी। आज दोपहर 1:15 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज रात 8:12 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त ही किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यायी जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 8:12 से कल सुबह 5:49 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 अप्रैल की दोपहर 12:59 से अगली सुबह 6:46 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 5 अप्रैल की सुबह 6:07 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अप्रैल की सुबह 9:46 से दोपहर 2:21 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:14 से शाम 7:18 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:44 से शाम 7:48 तक, और एक बार फिर रात 10:07 से रात 12:22 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:14 से शाम 7:18 तक, और एक बार फिर रात 9:37 से देर रात 3:42 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अप्रैल की दोपहर 1:12 से शाम 6:47 तक, और एक बार फिर रात 9:06 से रात 12:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 अप्रैल की सुबह 6:07 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 6 अप्रैल की दोपहर बाद 3:41 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:32 तक। मुंबई दोपहर 2:14 से दोपहर बाद 3:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:34 तक। लखनऊ दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:17 तक।
भोपाल दोपहर 1:56 से दोपहर बाद 3:30 तक, कोलकाता दोपहर 1:13 से दोपहर 2:46 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:15 से दोपहर बाद 3:49 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:44 से दोपहर बाद 3:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज परिवार वालों की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आज आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। छात्र आज कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मामले पर कुछ खास लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। शाम को परिवार के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे। सेहत के लिहाज से आज आप तंदुरुस्त रहेंगे। आज आप अपनी प्रतिभा को सही ढंग से निखार पाएंगे। इस राशि के राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आया है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज आपके विरोधी भी आपके काम की सराहना करेंगे। आज आप अपनी बुद्धिमानी से सब काम संभाल लेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को सहयोगियों से मदद मिलेगी, जिससे आपका कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। आज आपको बिजनेस के सिलसिले में राज्य से बाहर जाना पड़ सकता है। इस राशि के छात्रों के अंदर कंपटीशन के प्रति जागरूकता यानी जागृति पैदा होगी। आज किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिलेगा। बच्चों से संबंधित आपको कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। आज अचानक धन लाभ होने से घर वालों के साथ पार्टी करेंगे। आज आप बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकाल पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज आप सामाजिक कार्यों में सहयोग देने की सोचेंगे। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ऑफिस के काम में आज आपके सामने कई चुनौतियां भी आएंगी। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के रास्ते खुलेंगे। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा सुखद रहेगी। इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों से मदद मिलेगी। लवमेट के साथ कहीं घूमने जाएंगे। छात्रों को आज सफलता मिलेगी। कानूनी मसलों को हल करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। इस राशि के छोटे बच्चों को आज पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज ऑफिस में सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी आज आपको खुशियां देंगे। आज कार्यों में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके काम समय से पूरे हो जाएंगे। आज किसी से बातचीत करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों के साथ शाम को अच्छा समय बीतेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में आप किसी से विचार विमर्श करेंगे। आज खाली समय न गंवाकर कुछ न कुछ काम करते रहेंगे तो आप ओवरथिंकिंग से बच जाएंगे। जहां तक संभव होगा दूसरों की हेल्प करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। अचानक हुए धन लाभ से आज आपकी जरूरत का सामान आप खरीदेंगे। दांपत्य जीवन में और मधुरता आएगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऑफिस में पदोन्नति के साथ साथ इंक्रीमेंट मिलने से आप काफी उत्साहित रहेंगे। अगर आप नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। आज बिजनेस में भी बढ़ोतरी के चांसेस हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए
खुशियां लेकर आया है। आज कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव आएगा। कुछ लोग आपके विरुद्ध प्लानिंग कर सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के साथ किसी धार्मिक कार्य की योजना बनाएंगे। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे। आज आप घर की जरूरत का सामान लेने मार्केट जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज आपको पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। लवमेट एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। घर के बड़ों से आज कोई नई बात आप सीखेंगे। आज काफी दिनों से आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। मानसिक शांति मिलेगी। सामाजिक तौर पर आप बहुत सक्रिय रहेंगे। आपकी किसी नए काम को करने की इच्छा पूरी हो सकती है। संतान आज आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। नौकरी कर रहे लोग आज अपने कार्यों पर पूरा फोकस बनाए रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उमंग से भरा रहेगा। व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे। आप अपनी बातों को अपने पिता से जरूर शेयर करें। इससे जीवन में चल रही परेशानियों का हल मिलेगा। मिलजुल कर किए गए कार्यों में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। निवेश के मामले में आपको घर के बड़ों से कोई नई सलाह मिलेगी। काम की जगह बदलने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा। लोगों की नज़रों में आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी। आपको एक साथ कई काम हाथ लगने से आपको समझ नहीं आएगा कि किसे पहले करूं और किसे बाद में। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज नए कार्यों को करने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा। आप किसी मंदिर जा सकते हैं जहां आपको खुशी मिलेगी। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। लेकिन आप किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर कोई बड़ा निवेश ना करें। किसी काम में जीवनसाथी की सलाह फायदेमंद रहेगी। आज आप नई जिम्मेदारी लेने में थोड़ा संकोच करेंगे। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। दोस्तों के साथ पुरानी बातें याद करते हुए समय बिताएंगे। आज व्यायाम करें, इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। बॉस आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जिसे आप पूरी लगन और मेहनत से करेंगे। काम को लेकर आपकी तारीफ होगी। आपकी आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। इस राशि के जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं वो आज अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त रहेंगे। आज आर्थिक मामलों में माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। दोस्तों से भी मदद मिलेगी। आज आप माता पिता का खास ख्याल रखेंगे। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। आपकी किसी नई संपत्ति को खरीदने की इच्छा पूरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज रोजमर्रा के कामों में आपको ज्यादा समय लग सकता है। आज आपको कारोबार में पैसा लगाने से पहले बड़ों की राय लेना बेहतर साबित होगा। बड़े बुजुर्गों के पैर छुए धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आज मार्केट एनालिसिस करना बेहतर होगा। आज कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी जिसे आप बखूबी पूरा करने में सफल रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज घर के बड़ों की मदद से आपका जरूरी काम पूरा हो जाएगा। किसी रिश्तेदार से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जीवन साथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिश्तों में नयापन आएगा। सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से
आपको अच्छा फील होगा, भाई बहन के साथ घर पर मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। आज घर में शुभ प्रसंगों का आयोजन होगा, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर काम शुरू करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज चींटियों के बिल पर अनाज डालें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वाले विद्यार्थी किसी अवसर को जाया नहीं जाने देंगे, उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। मूलांक 2, आज आप बच्चों के लिए खरीदारी करेंगे, बच्चे उत्साहित होंगे। मूलांक 3, आज इंटरव्यू में अपना विश्वास किसी भी परिस्थिति में कम न होने दें, आपको ये जॉब मिल जाएगी। मूलांक 4, आप किसी काम को पूरा करने में पूरी मेहनत लगाएंगे, काम तय समय तक पूरा हो जाएगा। मूलांक 5, आपकी व्यापारिक समस्याएं आज समाप्त होंगी, कारोबार में आपको यथेष्ट लाभ होगा। मूलांक 6, आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन में आप कोई खास निर्णय लेने में आसानी महसूस करेंगे। मूलांक 7, दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं, आज का दिन मनोरंजन से भरा रहने वाला है। मूलांक 8, आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसकी बातों से आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मूलांक 9, आज आप किसी धार्मिक स्थल पर अपना समय बिताएंगे, मन में खुशी रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण दिशा में फर्श के कलर के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा का संबंध लाल रंग से है, अतः दक्षिण दिशा में लाल रंग के मार्बल का यूज करना आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर किसी को ये रंग पसंद न हो या वो फर्श के रूप में लाल रंग का इस्तेमाल न करना चाहते हो तो इसका भी एक उपाय है। आप पूरे फर्श पर लाल रंग के पत्थर का इस्तेमाल करने के बजाय पत्थर पर डिजाइन के रूप में थोड़े से लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको काफी फायदा होगा। इसके साथ ही इस दिशा से संबंधित लाभ पाने के लिए एक और तरीका भी है। आप दक्षिण दिशा में लाल रंग का पत्थर लगवाने के बजाय वहां पर एक लाल रंग का डिजाइन वाला कारपेट भी बिछा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा दक्षिण दिशा में फर्श के कलर के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 4:15 तक रहेगी। आज दोपहर 1:15 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज रात 8:12 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इसका प्रतीक चिन्ह कान है और इसका संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। साथ ही इसके चारों चरण मकर राशि में आते हैं, अतः श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि किया जाता है। इससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। अतः आज के दिन श्रवण नक्षत्र में विद्या से जुड़ा कोई भी काम करने से वो सफल जरूर होगा। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जबकि वेदांग ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र के जातक में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं। इनमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण इनके बहुत से मित्र भी होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, इनके अंदर सेवा भाव होता है और ये अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाते हैं। भगवान के प्रति भी इनकी आस्था होती है और इन पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। साथ ही ये लोग स्पष्टवादी, स्वाभिमान से भरे हुए और सहनशील होते हैं। ये नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्र में सफलता पाने के काबिल होते हैं। ये चिकित्सा, तकनीक, शिक्षा और कला आदि क्षेत्रों में
विशेष रुचि रखते हैं। तो ये थी चर्चा सिद्ध योग और श्रवण नक्षत्र के बारे में, और अब बात करेंगे आज गुरुवार और श्रवण नक्षत्र के संयोग में भगवान विष्णु के निमित्त किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आप अपनी व्यावसायिक यात्रा से अर्थ लाभ पाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज के दिन एक केसर की डिब्बी लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपने पास रख लें, और जब कभी आप किसी व्यावसायिक यात्रा से बाहर जाएं तो उस केसर से अपने माथे पर तिलक लगाकर जाएं। लेकिन अगर आप केसर न ले सकें तो आप एक डिब्बी में सूखी हल्दी ले लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको व्यावसायिक यात्राओं से अर्थ लाभ जरूर मिलेगा, लिहाजा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी। और अगर आप अपने जीवन साथी को कामयाबी हासिल करते देखना चाहते हैं तो आज घर में कोई चांदी की वस्तु खरीद कर लाएं और उसे मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा करें। पूजा के बाद उस चांदी की वस्तु को आज पूरा दिन मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठाकर अपने पास रख सकते हैं या उसे उपयोग में ला सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी को हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल होगी। अगर आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आज रात को अपने सिरहाने के पास एक बर्तन में जल भरकर रखें, फिर सुबह उठने के बाद उस जल को किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। और अगर आप समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करना चाहते हैं या दूसरों के बीच अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं तो आज एक मुट्ठी चावल और थोड़ी सी मिश्री एक कपड़े में बांधकर मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुतबा बढ़ेगा। अगर अपनी संतान की गतिविधियों के प्रति आपको हमेशा चिंता बनी रहती है तो आज के दिन आपको एक नया पीले रंग का कपड़ा लेकर उसे अपनी संतान के हाथों से स्पर्श कराकर विष्णु मंदिर में चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान की गतिविधियों के प्रति आपकी चिंता दूर होगी। अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आदर भाव और उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को आम रस का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में थोड़ा सा आम रस खुद ग्रहण करें और घर के बड़े बुजुर्गों को भी दें। आज के दिन ऐसा करने से घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपका प्रेम भाव बना रहेगा। अगर आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को कायम रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में देशी घी का दीपक जलाना चाहिए और उसकी लौ को देखते हुए 21 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका आत्मबल और आत्मविश्वास यूं ही कायम रहेगा। अगर आप जीवन में निगेटिव सिचुएशन से बचे रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर भगवान के सामने रखने चाहिए और उनकी विधि विधान पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन में निगेटिव सिचुएशन से बचे रहेंगे। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करना चाहते हैं यानी उन्हें बिना किसी परेशानी के अच्छे से निभाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और मंत्र जप के बाद श्री विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे। अगर आप अपने मित्रों की गिनती में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री विष्णु भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और किसी मंदिर के पुजारी को यथाशक्ति कुछ भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके मित्रों की संख्या में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी।
और अगर आप नौकरी में लाभ की स्थिति सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आम के साफ सुथरे 5 पत्ते लेकर उन्हें पानी से धोना चाहिए और उन पर रोली से श्री लिखकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में लाभ की स्थिति सुनिश्चित होगी। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कुछ कम हो गया है और आप अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो आज सफ़ेद मोतियों की माला गले में धारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर जल्द ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और आप अपना काम ठीक ढंग से करने में समर्थ होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज सिद्ध योग और श्रवण नक्षत्र तथा गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी ना मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा हो सकता है, आप किसी काम में व्यस्त रहेंगे। बी, आपकी लगन देखकर आज जूनियर आपसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। सी, आज स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को अपने कोच से नया सीखने का मौका मिलेगा। डी, वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, आज आपको किसी क्लाइंट से अच्छा लाभ होगा। ई, ऑफिस में आपकी मेहनत को देखकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। एफ, सेहत से जुड़ी आपकी परेशानियां दूर होंगी जिससे आप अपने रुके हुए काम पूरे कर लेंगे। जी, आज ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल अपलोड करेंगे, आपको अच्छी जॉब के लिए ऑफर आएगा। एच, अपनी माता की पसंद की कोई चीज़ आप लाएंगे, आज उनका आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा। आई, आज किसी निर्णय में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, काम पूरा होगा। जे, ड्राई फ्रूट के विक्रेताओं का दिन लाभदायक रहेगा, अधिक बिक्री से अच्छा मुनाफा होगा। के, फोन पर आज दोस्तों के साथ शाम को बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। एल, विद्यार्थियों को अपने एग्जाम पर फोकस करना चाहिए, तरक्की तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। एम, जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें, जो भी फैसला करें सोच विचार कर करें, जरूरत हो तो किसी की मदद मांग लें। एन, जीवन साथी के साथ दिन खुशनुमा गुजरेगा, आपको मनपसंद शॉपिंग कराएंगे जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। ओ, आज जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें तो बेहतर रहेगा, उसमें अपने पिता की राय जरूर जान लें। पी, आज ऑफिस में रुके हुए कार्यों को समय से पूरा करने में सफल होंगे। क्यू, आपकी बातों से किसी की भावनाएं आहत ना हो, इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। आर, इंजीनियर्स को नया टारगेट मिलेगा, पहले से किसी प्रोजेक्ट पर चल रहा काम जल्द पूरा हो जाएगा। एस, आज कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प लेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। टी, आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। यू, आज आपको थकान महसूस हो सकती है, अच्छी डाइट आपको फिट रखने में मदद करेगी। वी, आपके ज्ञान में इजाफा होगा, आज अपनी बड़ी बहन से करियर को लेकर जरूरी बात करेंगे। डब्ल्यू, व्यापार में निवेश करने से पहले उस कारोबार की विशेष जानकारियां लेना बेहतर रहेगा। एक्स, बच्चों को उनकी पसंद की जगह आज घुमाने ले जाएंगे, काम के साथ उनका ध्यान भी रखेंगे। वाई, अगर आपने कोई निजी बिजनेस के बारे में सोचा है तो पहले एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। जेड, लवमेट के लिए आज मनचाही चीज खरीदेंगे, आज उन्हें गिफ्ट करेंगे तो रिश्ता और भी मधुर हो जाएगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं पटौदी के श्री हरि मंदिर के दर्शन। हरियाणा के पटौदी कस्बे में इस मंदिर की श्रद्धालुओं में अपार मान्यता है। मंदिर की स्थापना स्वामी अमरदेव ने की थी। स्वामी अमरदेव ने हिमालय पर साधना करने के बाद 1920 में डेरा इस्माइल खान, जो अब पाकिस्तान में है, में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। बंटवारे के बाद वो पटौदी आ गए और यहाँ हरमिंदर आश्रम की स्थापना की।
खास बात यह है कि यहाँ न केवल दान में आने वाली धनराशि से संस्कृत महाविद्यालय और स्कूल चलाकर क्षेत्र में शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि जरूरतमंद कन्याओं की शादी कराने के लिए भी मंदिर में समय समय पर सामूहिक विवाह आयोजित किए जाते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र के भाग अंग शास्त्र के अनुसार शरीर के अंगों का फड़कना हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी देता है। उसी तरह से हमारे हाथों के अलग अलग पार्ट्स का फड़कना भी हमें जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे जाता है। यदि किसी व्यक्ति का पूरा दाहिना हाथ, किसी पुरुष का पूरा दाहिना हाथ फड़के तो यह धन लाभ और यश प्राप्ति का संकेत देता है। वहीं महिलाओं का बायां हाथ फड़कने पर कोई खोई हुई कीमती वस्तु वापस मिल सकती है। यदि आपके दाहिने हाथ की पुरुष के दाहिने हाथ की कोहनी फड़कती है तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है, अर्थात आपका किसी से झगड़ा या बहस हो सकती है। और वहीं स्त्रियों के बाएं हाथ की कोहनी फड़कने पर धन लाभ होता है। ऐसे ही दाहिने हाथ पुरुष के दाहिने हाथ की हथेली फड़कने पर व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, और महिलाओं की बाएं हाथ की हथेली फड़कने पर स्वास्थ्य में लाभ होता है। यही नहीं, अंग शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के हाथों की उंगलियां पुरुषों की हाथों की उंगलियां फड़कती हैं तो वो अपने किसी प्रिय मित्र से मिलता है, लेकिन अगर हाथ का अंगूठा फड़के तो किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा हाथ के फड़कने के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 4 अप्रैल चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज शाम 4:15 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 1:29 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिमली यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज घर से निकलते समय भगवान के दर्शन करें तो सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।